अरे आप इतना डर क्यों रही हैं? आप डरेंगी तो मेरा क्या होगा? मेरा दिल तो पहले ही बहुत कमजोर है, इसलिए तो आप पे फौरन आ गया था। वो हो, यहाँ मेरी जान पे बनी और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे आपके अब्बा और भाई कसाई हो। ओहो हाँ, वो कसाई ही तो है। क्या? मेरा ख्याल है कि मैं निकल जाता हूँ। कुछ चोर दरवाजा नहीं है आपके घर में? अरे घर में चोर दरवाजा क्यों होगा भाई? तो फिर मैं कुछ दीवार कूद जाता हूँ। अरे अगर मेरे अब्बा और भाई ने आपको यहाँ से भागते हुए देख लिया तो आपके साथ साथ वो मुझे भी मार देंगे। क्या? हाँ। जान से क्यों मार देंगे भाई? तुम तो मेरी बेटियों की तरह हो। क्या? हाँ ना बेटा, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम लोग नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना तकल्लुफ बिना झिझक हमें बताओ। नहीं 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 नहीं, देखो बेटा दरवाजा मत खोलना, अभी इस उम्र में मैं कुट खाता हूँ अच्छा लगूंगा क्या? अगर मैंने थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोला तो अब्बा और भाई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। कुछ करो ना। मैं क्या करूँ? देखो मुझे कहीं छुपा दो। अरे आप कहाँ छुपेंगे? इस घर में तो कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जिसमें आपका मुँह पूरा आ सके, तो आप पूरे कैसे छुपेंगे? देख बेटा, मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना कर, मुझे कहीं छुपा दे। वॉशरूम? अरे वॉशरूम बाद में चली जाना, पहले मुझे कहीं छुपा दो। छुपने की जगह ही नहीं है कोई। गॉड, क्या हुआ? आप अंदर से दरवाजा लॉक कर लीजिएगा और बाहर मत आइएगा। कब तक? जब तक मेरे अब्बा और भाई सो नहीं जाते तब तक। जी। अरे कहाँ फंसवा दिया आपने मुझे? मैंने? अरे जबरदस्ती खुद मुंह उठाकर घुसा है घर में। क्या? अरे तुम्हीने तो हाथ भेजा था कि घर पे कोई नहीं होएगा, आ जाओ एक कप चाय पियेंगे। वो कप तुम्हारे लिए नहीं था तुर्की बुढ़े। चुप करो और अंदर जाके दरवाजा लॉक कर लो। अगर बाहर आए ना तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे, समझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मरवा दिया। या ला मुझे बचा ले, मैं वादा करता हूँ एक दफा यहाँ से मुझे जिंदा वापस निकाल दे, मैं ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करूंगा। तो मेरा मतलब है आप? I'm sorry, मुझे आने में जरा देर हो गई। आप मुझसे नाराज हो गई थी ना, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी। नहीं नहीं, वो मुझे लगा। क्या लगा? कुछ नहीं। वो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी स्काइप पे, उसी वजह से थोड़ी सी देर हो गई। इट्स ओके। अंदर नहीं बुलाएंगी? अंदर क्यों, कोई है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब्बा और भाई तो बाहर गए। इसीलिए तो मैं आया हूँ, अंदर बैठकर आराम से गपशप लगाते हैं ना। लेकिन अब्बा और भाई आधे घंटे में आ जाएंगे। आधा घंटा तो बहुत होता है गपशप के लिए। अच्छा, आप क्या सारी बातें दरवाजे पे खड़े होकर करेंगी? जी, मेरा मतलब आपका अपना घर है ना, चलो अंदर बैठते हैं। फील एट होम। बड़ा खूबसूरत घर है आपका, बिल्कुल हमारे घर जैसा, वही पंखे वही लाइटें। कभी आप भी आए ना हमारे घर। लेकिन मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। क्यों? मेरे अब्बा और भाई बहुत सख्त हैं। अरे एक बार मुझसे मिलवा दे उन्हें, फिर देखिएगा बिल्कुल बदल जाएंगे। अच्छा? अरे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं लोगों का दिल नरम कर देता हूँ। आपका हुआ जी? अरे आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? नहीं वो, अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे घर में हमारे अलावा भी कोई है। आपको कैसे पता चला? क्या यही कि घर में हमारे अलावा कोई नहीं है? अरे आप ही ने तो खत में लिखा था कि अब्बा और भाई गए हुए। वो खत आपको मिल गया था? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर वो बुड्ढा यहाँ पे कैसे आ गया? जी कुछ नहीं, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाह नबील बेटा, जब तक खूबसूरत है नहीं टाइम अच्छा गुजर जाएगा तेरा। सबको कैसे कटाया, बड़े बन रहे थे बड़े मुंह वाले, कैसा पता साफ किया। मान गए तुझे, मान गए। मोहल्ले वालों को इस वॉशरूम से मेरी लाश मिलेगी। मोमो मोमो मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मोमो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मोमो मोमो Ich frage.
चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। दिल को बांध के रस्सी चलता। हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आज मैं एक बात तुम्हें बता लेना चाहता हूँ। क्या? मुझे पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई है। जी? हाँ, मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन आ गया? ये कौन आया? लगता है बहुत भाई आ गए। क्या? दरवाजा खोलो। और ये कुंडली क्यों लगाई है? दरवाजा खोलो। ये कौन है? मेरे अब्बा भाई। भाई भी इतनी बदमाशी से दरवाजा क्यों बजा रहे हैं? बदमाशी तो है। क्या? अरे हाँ, मेरे अब्बा और भाई कसाई है। कसाई खाने के बदमाश है पुराने। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ। अरे भाई, घर बुलाने से पहले ये बताना चाहिए था ना, मुझे कहीं छुपा दो। अल्लाह का वास्ता, मुझे कहीं छुपा दो। मैं कहाँ छुपाऊँ? दरवाजा खोलो। हीर, मैं तो दरवाजा खोलने जा रही हूँ, तुम कहीं भी छुप जाओ अपने रिस्क पर। क्या? अपने रिस्क पर कैसे छुप जाऊँ मैं? मुझे छुपने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और रुको, क्या अल्लाह मैं कहाँ छुपूँ मैं? अबे वॉशरूम पे याद आया अब्बा, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। तू एक काम कर, फटाफट खाना लगा दे, बहुत सख्त की भूख लग रही है। भाई 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 भाई, तुम इस वाले वॉशरूम में नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते बे? वो भाई, इस वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। चल ठीक है, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। ये क्या कर रही है तू? वो अब्बा, अल्लाह को याद कर रही हूँ। चल ये तो खैर अच्छी बात है। हाँ। चल खाना लगा भाई, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी कर। लोलो, करिश्मा कपूर? हाँ जी, बस उससे मिलती जुलती है। ओए, मैं बुलबुले वाली लोलो बोल रही हूँ। ओ माँ जी, सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरा ना वो नहीं मिल रहा। वो क्या? वही जो मेरे बेटे का वो है। आपके बेटे का क्या नहीं मिल रहा? ओए, मेरे बेटे का नहीं, मेरा वो नहीं मिल रहा ना। माँ जी, खुदा के वास्ते बता दे, क्या नहीं मिल रहा? वो जो तू अपनी बीवी का है ना। मैं अपनी बीवी का शौहर हूँ? शोहर, मेरा शोहर नहीं मिल रहा है मुझे। अम्मा जी, आपकी शादी हो चुकी है, वो भी दो दो बार, आपको शोहर की क्या जरूरत है? वही तो, वो पहले वाला ही तो नहीं मिल रहा है। वो पहले वाला तो आपको मर कर ही मिल सकता है ना माँ जी। मैं मंसूर की बात कर रही हूँ। ओ, महमूद की? हाँ हाँ, महमूद की। महमूद नहीं मिल रहा है, मैं पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ। फोन कर ले उन्हें। हाँ, फोन भी कर रही हूँ जट साहब, मगर वो फोन उठा ही नहीं रहे। आपने आखिरी बार कहाँ देखा था? उनका फोन? नहीं, महमूद साहब को। ये तो मैं भूल ही गई। अरे यार जट साहब, प्लीज मेरा मियाँ ढूंढ के ला दे कहीं से, मुझे ना उसकी बड़ी याद आ रही है। और रोए मत माँ जी, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। जब तक आप जरा मोहल्ले में देखें, क्या पता कहीं बाहर ही होंगे। ठीक है। मंसूर,
मेरे पीछे जो भी है मैंने उसे नहीं देखा। कमाल की बात है कि मैंने भी उसे पहचाना भी नहीं, देखा भी नहीं। हमारे लिए यही बेहतर है कि ना हम एक दूसरे को देखे ना पहचाने। अब वो तो सब मुनासिब है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो बाहर हसबे मामूल वॉक कर रहा था, इस लड़की ने मुझे आवाज दे के बुला लिया। घर के अंदर? नहीं नहीं, उसे दही नहीं मिल रहा था। वो दही तो मैंने लाके दे दिया था बाहर से ही। हाँ, उसने फ्रिज में रखा था, उसे मिल नहीं रहा था तो मैंने उसे निकाल के दे दिया। वो जो आपने फ्रिज से निकाल के दिया था वो दही था? हाँ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। हाँ, जब मैं यहाँ आया मैंने देखा आप भी यही है, तो मैंने कुछ करने का इरादा ही तरक कर दिया। अच्छा, हमारे साथ कुछ और बुरा ना हो। आप ये दुआ करेंगे सलामत यहाँ से निकल जाए। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी, पता नहीं अकेली हमारा किस किस से पूछ रही होगी। एक बुड्ढा जिसकी उम्र 60 साल है, सवेरे से लापता है। मैंने सारा घर ढूंढ मारा, टूटियों के पीछे, अलमारियों के नीचे, फ्रिज के अंदर, कहीं ना मिला। जिस किसी को मिले प्लीज हमारे घर में ना जमा करा दें। अरे अम्मा, कोई निशानी तो बता दें। मेरे कान के पीछे तिल है। अरे अम्मा, अपनी निशानी नहीं, जिसे ढूंढ रही हो उसकी निशानी बताओ। उसकी कमर के ऊपर गर्मी दाने निकले हुए। हाँ। अरे भाई, इस तरह तो लोगों के कपड़े उतार के चेक करना पड़ेगा ना। हुशो हुशो। अरे अम्मा, आप ये बताओ बस, उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे? ओए, मैं कपड़े नहीं ढूंढ रही, अपने मियाँ को ढूंढ रही हूँ। अरे जिसे ढूंढना है ढूंढे, हमें क्या। दफा इधर से। हजरत, उस बुड्ढे ने नीले रंग की निकर और लाल रंग की बुशर्ट पहनी हुई है। दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पाँव में पीले रंग की चप्पल है, और हाँ, सवेरे से उसका पेट भी खराब है। प्लीज हमारे घर में जमा करा दे। क्या हो गया अब्बा, खाना जल गया क्या? नहीं। क्या हो गया अब्बा? अबे तुझे यही वक्त मिला था खाना खाने के लिए? नहीं, खाना खराब करने का। अबे मैंने क्या कर दिया? सड़ा हुआ पेट है तेरा भाई। हैं? और नहीं तो क्या, सारे नाक के बाज राजी है मेरे। अबे मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम ले लो अब्बा। अबे तो ये बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू? अबे हाँ यार। यार नबील, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में गैस हो रही है, मैं क्या करूं? यार महमूसा, मैंने आपको रात मना किया था यार मूली के पराठे खाने से, आपने चार पराठे पड़का दिए। हंसता बोलो यार, बाहर लड़की का भाई और बाप बैठे, मरवाओगे क्या? ओ यार, मरवाएंगे तो आप यार, पहले यहाँ कूटने, ऊपर से आपने कार्रवाइयां शुरू कर दी है यार। मैं तो दम घुटने से मर जाऊंगा। अरे आहिस्ता बोलो वरना वो तुम्हें मार देंगे। क्या कर रहे हैं यार? कुछ चूहा मर गया कहीं, उसकी बुआ है ये शायद। अबे बदबू से तो इंसान मर जाए, चूहा क्या चीज है? अबे नहीं अब्बा, मैं कह रहा हूँ कुछ शायद चूहा मर गया है, इस वजह से बुआ रही है। इतनी बदबू तो मरे हुए चूहे में भी नहीं होती। तो मैं स्प्रे लेके आती हूँ। जल्दी लेकर आओ वरना हम लोग मर जाएंगे। अबे क्या बातें कर रहे हो अब्बा? अबे तू खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? ये ढूंढ के ही बदबू आ कहां से रही है? अब्बा ये तो पूरे घर से आ रही है। अबे सुस्ती खोरे आराम खोर, ये देख के ये बदबू किस चीज से आ रही है? नाक से हाथ हटा के ढूंढ। यहाँ से आ रही है। अच्छा? हाँ, इस वॉशरूम में से आ रही है। तो अंदर देख, कुछ चूहा तो नहीं मरा पड़ा? अभी देखता हूँ। कौन हो तुम लोग? हमारे घर में क्या कर रहे हो? जोर 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 जोर, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ।
भाग जाओ। क्या कह रही है तू? चोरों को भागने का बोल रही है? अब मुझे अंदर काम है। अबे हमारे घर में चोरी करने आया, काम है। अरे क्या कर रहे हो भाई, हमें तो इस बाजी ने बुलाया था वॉशरूम की लाइनें ठीक करने के लिए। फिर तूने बुलाया था इन दोनों को? नहीं अब्बा, बकवास कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है दोनों कहाँ से घुस के आ गए घर में। इन दोनों को अभी पुलिस के हवाले कर दे अब्बा। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटा? कर बुड्ढे है। अबे पुलिस के हवाले क्यों करे? पुलिस तो इनको दो थप्पड़ लगा के छोड़ देगी। तो आपका ज्यादा लगाएंगे अंकल। तू कम से कम मुझसे 1.5 साल बड़ा होगा और मुझे अंकल कह रहा है? अभी पता चल जाएगा तुम दोनों को। अब्बा इन्हें सहन में उल्टा लटका देते हैं बकरों की तरह। अरे हाँ, तू जाके इन्हें लटका, मैं इनकी खाल खींचने की तैयारी करता हूँ। वो जो आप हमारी खींचेंगे वो खाल होगी। नबील भाई, अरे मुझे तो छोड़। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।